हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और दोस्तों, मैं भी स्वस्थ हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। और दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ दुधवा नेशनल पार्क म्यूजियम घूमने के लिए। तो आप लोगों को दिखाता हूँ म्यूजियम, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ नकहुआ पुल पर, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे पुल है। और सामने आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं अभी, ये आप लोग देख सकते हो दुधवा नेशनल पार्क का प्रथम द्वार है। और यहीं से हम लोग जंगल में एंट्री लेंगे, भी आगे जाएंगे। और दुधवा नेशनल पार्क का सेकेंड द्वार जो होगा वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा व्यू लग रहा। आप लोग देख सकते हो ट्रेन वाला उधर पुल बना हुआ है, अभी ट्रेन निकलने वाली है, अभी दिखाएंगे आप लोगों को। पहले प्रवेश द्वार पे ये बोर्ड लगा हुआ है, माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से ये इसका उद्घाटन हुआ है। और अभी चलते हैं आगे, हम लोग जंगल में चल रहे हैं, दुधवा जंगल में। और ये आप लोग देख सकते हो जंगल, और बिल्कुल सुनसान है, देखिए कोई ना आता ना जाता, बहुत कम रास्ता चलती है ये आप लोग देख सकते हो। ये दूसरा गेट है दुधवा नेशनल पार्क का, और इधर सामने नेपाल रास्ता सीधे चली गई, ग्वारीफंटा नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ का कितना अच्छा व्यू, ये देखिए अभी बन रही है रास्ता, देखिए भालू और बंदर एक साथ दिख रहे हैं। तो देखिए ये दुधवा नेशनल का मेन गेट है, और इसी से हम लोग अभी अंदर जाएंगे, आप लोगों को म्यूजियम दिखाते हैं। और यहाँ पे कुछ लिस्ट लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो कि प्रति व्यक्ति 300 रुपये है सफारी का, वाहन रोड टैक्स 600 रुपये, मतलब पूरी लिस्ट है, आप लोग देख लीजिए। जब कभी आइएगा तो अपनी पूरी तैयारी से आइएगा, क्योंकि सफारी लगभग 3483 रुपये में बुक होगी, और फिर पर व्यक्ति की 300 रुपये के हिसाब से आपको घूमने को मिलेगा। दोस्तों, जो यहाँ का 100 रुपये एंट्री फीस पड़ता है, वो सिर्फ म्यूजियम घूमने के लिए जो लोग आते हैं अपना यहाँ म्यूजियम वगैरह टहलते हैं उनके लिए है। बाकी जो लोग सफारी से घूमते हैं उनके लिए ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, वो लोग उसी में ही सम्मिलित हो जाते हैं। और यहाँ ये आप लोग देखिए, यहाँ पर सफारी की बुकिंग होती है, यहाँ पे देखिए स्वागत कक्ष लिखा हुआ, यहाँ पे सफारी की आप बुकिंग कर सकते हो, यहाँ से ये कार्यालय है सन, ठीक है, यहाँ से आप टिकट वगैरह पंजीकरण करा सकते हो, अंदर के लिए आप सफारी बुक करके जा सकते हो। हम लोग तो सिर्फ म्यूजियम घूमेंगे, आप लोग हमारी वीडियो पे प्यार दुलार ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे तो अगली बार सफारी में घूमेंगे और आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग म्यूजियम वगैरह ही। और यहाँ पे ये देखिए सब बैठने के लिए बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं इन्होंने बना रखी हैं। और जब मैं पार्क में अंदर एंट्री ले रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि हम लोग दो लोग हैं, और हमारे मित्र और हम लोग दो लोग हैं, और 100-100 रुपये किराए टिकट पड़ी है केवल घूमने का। अभी तो हम लोग अंदर तो जंगल में गए ही नहीं हैं, अंदर अगर जाएंगे तो उसका तो अलग से सफारी बुक करनी पड़ेगी। और अभी हम लोग केवल टहलने का ही 100-100 रुपये चार्ज है। हमारे पीछे ये आप देख सकते हो हट है, ये इसकी बुकिंग अलग होती है, यहाँ बहुत दूर दूर, हाँ बहुत हट हैं, देखिए उधर वो भी हट दिख रही है, अभी लेके चलेंगे उधर भी। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा काम है प्राकृतिक व्यवस्था केंद्र, जो ये हमारे यहाँ का म्यूजियम है, हम लोग अब अंदर जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेंगी आप लोगों को यहाँ से। ये देखिए शुरुआत हो गई, ये सारस हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखिए शेरनी अपने दो बच्चों के साथ में बैठी हुई है, और भी बहुत कुछ है, आप लोग को अभी अंदर लेके चलेंगे दिखाएंगे। ये देखिए ये बोर्ड लगे हुए हैं, सब
वन्य जीव के बोर्ड हैं, सारी जानकारियाँ हैं यहाँ पे। ये देखिए मैप है, अपने दुधवा टाइगर रिजर्व का मैप। आप लोग इस मैप के जरिए पे गूगल पे सर्च करके भी यहाँ तक आ सकते हो। ये देखिए खूबसूरती का नज़ारा है, हर प्रकार की चिड़िया यहाँ पे। जो जंगल में कैमरे लगे हुए हैं उनसे ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। ये हम लोग अंदर आ गए, अंदर आप लोग देखिए ये गैंडा अपने बच्चे के साथ में यहाँ पे है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। और ये देखिए गैंडे का ओरिजिनल सर है जो यहाँ पे बहुत सजो के रखा गया है केमिकल द्वारा, और शीशे में बंद है, ये ख़राब नहीं होगा जल्दी, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ यहाँ से मिल रही हैं। और इधर आप लोग देख सकते हो हर तरीके के बोर्ड लगे हुए, सारी वन्य के जीव प्रकार की। ये देखिए आदिवासी थारू क्षेत्र का कल्चर है इधर, और पूरा हट बना हुआ है। ये देखिए मैडम खड़ी हुई हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे, और यहाँ पे थारू जनजाति क्षेत्र यहाँ से थोड़ी दूरी पे पूरा फंसा हुआ है, उसी का कल्चर भी दिखाया गया है। मिट्टी के घर हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए घास फूस से बना छप्पर है, और ये देखिए ये जो दरवाजे पे लगाई जाती है डिजाइनदार कटिया है। और इधर आ जाएंगे ये अंडे के कछुए का ही ये है, अंडे वगैरह हैं कछुए के, और कछुए की कवच है, पूरा सब रखा हुआ है। इधर दिखाइए इन्हीं का ये ओरिजिनल है जो आप लोग इधर देख रहे हो, इन्हीं का ओरिजिनल ये इधर दिख रहा है। इधर भी देखिए सब बोर्ड लगे हुए हैं, सब वन्य जीव के मतलब हर प्रकार के बोर्ड लगे हुए हैं। अभी आप लोगों को लेके चल रहे हैं यहाँ पे देखिए घड़ियाल, घड़ियाल का ओरिजिनल ये है जो एक शीशे में बंद है, और कई सालों तक ये कुछ भी नहीं नुकसान नहीं इसको हो सकता क्योंकि केमिकल द्वारा पड़ा हुआ है इसमें, बहुत मस्त बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला है। ये घड़ियाल का है और ये मगरमच्छ का है, देखिए आप लोग। ये देखिए इधर दिखाइए ये बारहसिंगा है जिसकी सींगें देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं। इधर भी ये बारहसिंगा की सींग लगी हुई हैं, और इधर तो बहुत सारी हैं। इधर देखिए नीचे, इधर दिखाइए भैया, ये देखिए कितनी ढेर सारी हैं। दुधवा का हिरन परिवार है ये, दुधवा का हिरन परिवार है। आइए इधर थोड़ा दिखाइए, और फिर दिखाते हैं हाथी का विशाल सर जो हेड होते हैं, जो एलिफेंट हेड होता है। ये देखिए बड़े बड़े दांत भी हैं हाथी के, ये भी ओरिजिनल है। यहाँ पे पत्थर का बना हुआ कुछ भी नहीं है, केवल घंटे। ये मतलब काहे का बना हुआ है, ओरिजिनल है टस्कर जो ग्रुप बाइक मेला होता है। अच्छा ठीक है, ये हाथियों का जो राजा होता है टस्कर होता है, जो बिल्कुल ग्रुप में सबसे आगे चलता है, हेड है पूरा। ये दांत हैं दोनों, और देखिए खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने वाले दांत भी दिखाइए। ये देखिए खाने वाले दांत हैं वो जो दिख रहे हैं सामने, और दिखाने वाले तो बहुत सबको दिखते हैं। और ये देखिए यहाँ तो हर प्रकार के मतलब भालू हिरण चीता, और बहुत अच्छी मतलब हरियाली है, हरियाली के साथ साथ जंगल की हरियाली दिखाई गई है। तो ये सब चीज़ें आपको अंदर देखने को मिलेंगी जब आप सफारी बुक करोगे, और सफारी बुक करने के लिए आप लोग मेरे वीडियो पर प्यार दुलार बनाओगे तभी मैं आगे चल के सफारी बुक कर पाऊँगा, वरना सफारी का चार्ज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए अजगर भी है, अजगर है सारस है, और कबूतर है, बहुत
ये देखिए जंगल का राजा है, ओरिजिनल है, यहाँ डुप्लीकेट का कोई वो नहीं है, ओरिजिनल राजा है। ये देखिए इसके नाखून कितने बड़े बड़े हैं, दांत देखिए, और ये है इसको मेंटेन किया जाता है, संभाल के रखा जाता है क्योंकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि शीशे में बंद है। और जिस प्रकार जैसे विदेशों में मम्मी वगैरह रखते हैं, उसी प्रकार ये देखो रखा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। ओरिजिनल आपको से बहुत नज़दीक से हम लोग दिखा रहे हैं आप लोगों को। आइए गुफा में से है वो भी देखिए, और एक चीज़ और है, यहाँ आओगे तो जूता चप्पल आप म्यूजियम के बाहर ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना स्वच्छ है, कोई यहाँ मतलब वैसे भी इसीलिए 100 रुपये टिकट रख दी गई, आदमी अंदर आता था बाहर कूड़ेदान में मतलब इधर उधर पॉलोथीन वगैरह दुनियादारी इधर उधर से लेके यहाँ पिकनिक मनाता था। लेकिन आप पिकनिक मनाइए डस्टबिन में ही कूड़ा डालिए, पान पुड़िया तो खाइए आप तो डस्टबिन में ही थूकिए, मतलब ये तो अपना स्वच्छ भारत रखना ही है, तो इसके लिए मुझे तो खुशी है कि चलो ठीक रहा। ये देखिए दोस्तों, ये जो जंगल का राजा शेर है उसके पदचिन्ह हैं, आप लोग देख सकते हो पदचिन्ह ज्यामिति, और ये भी हैं। देखिए इस प्रकार होते हैं, जैसे कि ये इसलिए रखे गए कि आप के खेतों में अगर नज़र आ जाएं या कहीं भी नज़र आ जाएं तो आप जान सकते हो कि हमारे तरफ इस समय टाइगर आया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। और ये हमारे बानर महाराज ने सफारी बुक कर ली, लेकिन हम लोग नहीं बुक कर पा रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग प्यार दुलार नहीं वीडियो पे बना रहे हो। ये देखिए बैठे हुए हैं, इन्होंने सफारी बुक कर ली अंदर जाने के लिए, हाँ बुक कराई है, आराम से बैठा हुआ है। ये देखिए आ रहा भाई, सब यहाँ पे जो सामने देख रहे हो वो भी हट है और वो भी हट हैं, ये सब बुक होती हैं। उधर कैंटीन है, उधर भी आपको लेके चलेंगे, और ये यहाँ भी प्रधानमंत्री वन धन योजना कुछ बोर्ड लगा हुआ है, सोनिया शॉप वगैरह है, चोई में इलाजवंती यहाँ भी अंदर, ये सभा कक्ष है, यहाँ मीटिंग वगैरह होती है, सामने आप देख सकते हो ये सभा कक्ष है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का है। और हम लोग टहल रहे हैं, दो लोग ही आए हैं क्योंकि लगभग हम यहाँ 3:30 बजे आए, इसलिए सब भीड़ चली गई थी, जो भी लोग आए थे वो लोग सब चले गए, और हम लोग अब यहाँ पे लास्ट में आए हुए हैं तो लास्ट में टहल रहे हैं। लेकिन दोस्तों स्वर्ग से सुंदर भी है दुधवा, राष्ट्रीय पार्क है भाई, राष्ट्रीय पार्क है अपना। और ये देखिए यहाँ पे बानर सेना भी बहुत मतलब भर है, ये देखिए फील्ड पड़ी हुई वहाँ पे कुछ जानवरों के लिए, स्पेशल जानवरों के लिए पानी भरा हुआ है, अभी आओ चलें दिखाएं, उधर भी दिखा दें, जानवर आते हैं जंगल से, हाँ इस जंगल से जानवर निकल के आते हैं और यहाँ पानी उनी पीते हैं, अधिकतर बंदर वगैरह स्नान वगैरह करते हैं। और सूरज देखिए, सूरज ढलने वाला है, इसलिए देखिए कितनी तेज किरणें उसकी हैं इस समय, पानी में दिख भी रही हैं। और ये देखिए पानी भरा हुआ है, इसमें बंदर मौज मस्ती करते हैं, खूब नहाते हैं, और आप लोग देख सकते हो। चलो हम लोग मचान पे चढ़ते हैं, ये सामने मचान है, ये सामने मचान जो दिख रहा है इस पे चढ़ेंगे अभी, वो छोटे वाले पे भी चढ़ेंगे, और कितनी खूबसूरत नज़ारा है आप लोग देख सकते हो। ये देखिए नीचे जो है सब लकड़ी का ही है, और ये बांस से बनी हुई मतलब डिजाइनें देख सकते हो आप कितनी खूबसूरत हैं। और सामने ये देखिए बड़ा वाला मचान है, अभी वही छोटे मचान पे खड़े हुए हैं, और कितना अच्छा सुंदर दृश्य लग रहा है नीचे का, आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छी फील्ड यहाँ पे है, खूबसूरती का तो समुंदर ही कह सकते हैं, यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा है, इसलिए तो देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए।
दोस्तों चढ़ रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं इस पे चढ़ना है, यहाँ से वहाँ तक पहली सीढ़ी। दोस्तों हम लोग बहुत ही ऊंचाई पे आ चुके हैं दोनों लोग, और आप लोग देख सकते हो कितनी ऊंचाई, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए कितना खूबसूरत है, यहाँ से कितने छोटे छोटे लोग, वो दो लोग टहल रहे हैं, कितने छोटे दिख रहे हैं। और इधर का आपको नज़ारा दिखाते हैं, ये देखिए इसके मचान के इधर का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है, सब पानी भरा हुआ है, वन्य जीव के लिए कोई परेशानी नहीं होती, अपना पानी पिए और जंगल में ही रहें, मस्त रहें, मगन रहें। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, जो हम लोग इतनी ऊंची ऊंचाई पे हैं, और ये कितना अच्छा बना हुआ, ये देखिए नीचे का है, इधर से चढ़ के हम लोग आए थे, और देखिए कितना नीचे से चढ़ के आए थे, वो दिख रहा है, अभी उतर के भी जाना है। वो छोटी वाली हट पे था मैं पहले, आप लोग देख सकते हो छोटी वाली वो जो बनी हुई है उस पे था। और हम लोग चल रहे हैं अब यहाँ की कैंटीन में, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है खाने को, या कॉफ़ी मिलती है या चाय मिलती है, पीते हैं फिर उसके बाद घर निकलते हैं। और कैंटीन भी आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ की, ये दुधवा की कैंटीन है, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, कितना अच्छा। हम लोग कैंटीन के सामने आ गया है, जो समझ में आए फिलहाल चाय पीनी है और पकौड़ी खानी, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी चाय आ गई हम और पकौड़ी आ गई हैं। दोस्तों हम लोगों ने चाय और पकौड़ी वगैरह ऑर्डर किया था, वो चाय वगैरह हो गई है, अब निकलते हैं घर के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यार दुलार दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।